मथुरा में आगामी 6 दिसंबर को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। मथुरा में तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करने वालों को मथुरा जिला प्रशासन ने संदेश दिया। पुलिस बल के जवान आईडी कार्ड जांचने के बाद ही शाही ईदगाह तक लोगों को जाने दे रहे हैं। शुक्रवार को मथुरा पुलिस ने शाही ईदगाह पर नमाज करवा कर आपसी सद्भाव का संदेश दिया। आज जुमे की नमाज मथुरा शहर में सकुशल संपन्न हुई और हम लोग सतर्क हैं, अलर्ट हैं। शहर की शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार हम लोग मुस्तैदी से कुछ फोर्स का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करके और लोगों में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। धन्यवाद। बात करें तो जुमे की नमाज किस तरह लोगों को एंट्री दी गई? देखिए, वो माननीय न्यायालय के विभिन्न आदेशों के क्रम में उसकी सुरक्षा व्यवस्था हो रही है। वहाँ जाने वाले हर आदमी का आइडेंटिफिकेशन, हर आदमी की सर्चिंग फ्रिस्किंग अनिवार्य है। कोई अराजक तत्व वहाँ न घुसे, इसलिए सबको चेक किया गया, सबको आइडेंटिफाई किया गया। धन्यवाद। सुरक्षा के भी नमाज अदा की गई है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। सुरक्षा तो ये है कि जिस तरीके की जो है अभी अफवाहें हैं, एक साथ ही करवा सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जो है बड़ी कड़ी सुरक्षा रहेगी, कुछ असामाजिक तत्व वगैरह ना घुस जाए, उस चीज़ को लेकर नहीं प्रशासन ने थोड़ा मुस्तैदी से काम लिया। क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ो, कोई ऐसी दिक्कत बात। हाँ, ये है कि अब थोड़ा सा ये आधार कार्ड इसलिए लिया, ये प्रशासन की भाई प्रशासन को जरूरी था कभी कोई असामाजिक तत्व ना पहुंचे, इसलिए शायद सभी लोगों से आधार कार्ड लिए गए। अच्छी बात है, आधार कार्ड को और क्या आईडी भी मांगेंगे और भी रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी, हमें तो नमाज पढ़नी है। पहले नमाज के लिए गेट बंद कर दिया गया, फिर शासन ने अपने ढील कर लिए, हमने नमाज निकलवा दी जुमे की, जो नमाज होती है। किसकी कमी मानी जाए? प्रशासन की कमी और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको मतलब अपने सपोर्ट कर लिए, वो भी बोल रहे हैं हाँ नमाज हो गई, यहाँ पढ़ लो नमाज, ये नमाज खास होती है जुमे की नमाज, हमसे बोले यहाँ नीचे मस्जिद में पढ़ लो, नमाज निकलवा दी जुमे की। हमारे टाइम बढ़ा देते।